really proud of you, the way you have come through. I'm sure your dad and the family will be extremely proud of what you have been able to achieve. This is for you. All the best. Good luck. सभी के लिए बड़ा दिन है, हमारे घर के लिए, हमारे मुंबई के लिए और तमाम वो लोगों के लिए जो सरफराज को प्यार करते हैं, उसको खेलते हुए देखना चाहते हैं, जो लोगों ने उसके सुख दुख में साथ दिया, उन सब के लिए बड़ा दिन है। सरफराज खान क्योंकि ऐसा एक क्रिकेटर जिसने इंडिया खेलने के लिए अपनी जी जान लगाई है भाई, उस बंदे को पता है कि मैंने इंडियन कैप किस तरह हासिल किया। फिर उसके फादर ने जब इंडियन कैप सरफराज को मिली, उसको चूमा, उसकी वाइफ थी साथ, मतलब सब उस पूरी उसकी पूरी फैमिली के चेहरे के ऊपर जो इमोशन थे, वो जो इमोशनल हो गए थे सारे। नहीं देखिए, हर माँ बाप करते हैं, अपना काम है ये तो उनकी नसीब में ये था कि बाप और कोच दोनों एक साथ मिल गया, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ा, वरना कोई कौन ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी लोग मेहनत करते हैं, तो उनमें से मैं भी एक माँ बाप हूँ बस। बोला देखो सूर्य, ऐसा ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे देख के मुझे बहुत प्यार करता है तो उसके गेम पे असर आए। बहुत बड़ा दिल चाहिए कोई माने या ना माने, जिस तरह डेब्यू किया सरफराज ने, बट भाईजान खेलना तो सरफराज ने था ना, दिमाग तो सरफराज ने यूज करना था। He showed that potential, that grit, that hunger, that desire that I had to wait. हर तरफ बात हो रही है उसी की, कमाल खेला जी, लाजवाब खेला, मजा आ गया देख के। सरफराज खान का इंग्लैंड और इंडिया की तीसरे मैच में डेब्यू हुआ। अगर कोई मोटिवेशन का मिसाल मांगे तो सरफराज खान सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इस लड़के ने 4 साल ऐसा परफॉर्म किया सिर्फ इंडिया से खेलने के लिए, और उस 4 साल की मेहनत ने आखिरकार रंग लाई और अपने पहले डेब्यू मैच में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि टीम इंडिया में अपना नाम पक्का कर लिया। उनके वालिद ने अपने दोनों बेटों एक मुशीर खान और एक सरफराज खान दोनों पर इतना मेहनत किया कि उनकी सारी जिंदगी बीत गई और 15 तारीख को सरफराज खान क्रिकेट के इंटरनेशनल दुनिया में उतर गए। पाकिस्तानी मीडिया सरफराज खान के इमोशनल डेब्यू और पहले शानदार इनिंग के हवाले से क्या कहते हैं, आइए आप लोगों के साथ पाकिस्तानी मीडिया की मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। सरफराज खान के लिए जो आवाजें थी और जो बस डे वन का ग्राउंड राजकोट में आया है, इतना बस आपको अब तक इस सीरीज में कभी भी डे वन पे कम मैंने नहीं इस डेप इतना बस मैंने किसी की इतने डेप जुड़े का भी हुआ है समझे नहीं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ डेब्यू जो होते ना हवाई या देरी का होते हैं मेमोरेबल बन जाते हैं। ओवर ड्यू था उसका डेब्यू, उसकी वजह ये है कि जो जिस पोजीशन में वो खेलने आया था इंडिया मजा आता वहाँ पे, उसकी वो उस टाइम पे जाने वाली विकेट जो होती है ना सरफराज की, एक तो वो उसका मोमेंटम भी गिरा दी, इतना जो उसने उसके लिए लोगों ने सोचा हुआ था वो भी उसको कॉम्प्लेक्स में लेकर आता, तो सरफराज ने इन सब चीजों को वो किल करता हुआ नजर आया। और सबसे अच्छी बात जो उसने बताई कि जब जब मैं बैटिंग में अपने आप को थोड़ा सा कमजोर फील करता हूँ मैं मुशीर से जरूर बात करता हूँ। बहुत बड़ा दिल चाहिए कोई माने या ना माने, जिस तरह डेब्यू किया सरफराज ने, माना इट वॉज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म, अ सुपर 204 रन पार्टनरशिप बाय द कैप्टन हिटमैन शर्मा एंड जडेजा, जडेजा वॉज देयर विद सरफराज, बट भाईजान खेलना तो सरफराज ने था ना, दिमाग तो सरफराज ने यूज करना था। He showed that potential, that grit, that hunger, that desire that I had to wait. अब पाकिस्तान में तो परचीज़म को प्रमोट किया जाता है भाई, इंडिया में ये सरफराज खान ने खेलने के लिए इंडिया जितनी मतलब मेहनत की है ना, इधर मेरे घंटे करता है मेहनत, छनकना मेहनत होती है इधर बेटा, मेरा वाजा मेहनत करते हैं इधर, कोई मेहनत जिनमें मूनत नहीं होती। अब सरफराज खान पाकिस्तान में स्टिल ट्रेंडिंग कर रहा है कुछ, लेकिन देखो सरफराज खान ने दिल तो जीता है, सरफराज खान ने दिल तो जीता है डेब्यू पे, जिस दिलेरी के साथ वो लड़का आया है, अगर वो कुछ ना करता तो ड्रॉप हो जाता, लेकिन उसने तब किया जब कंट्री को ज़रूरत थी, जब डिलीवर करना था और जब कप्तान उस पे आंख लगा के बैठा हुआ था कि ये करके देगा, उसने तब किया। वो ये मेरे घंटे की तरह नहीं है कि अपने रंस करो और साइड पर हो जाओ, उसने अपने अपने रंस नहीं किए, उसने टीम के 62 रंस किए हैं 48 बालों के ऊपर टेस्ट मैच में फंसी कंडीशन में। अगले ने बेसबॉल तो वो खेल के गया है, असली बैटिंग वो करके गया है। उम्मीद तो थी कि उसको कैप मिल सकती है, लेकिन 100% मुझे गारंटी नहीं थी, क्योंकि जब तक सुबह में पिच देखेंगे विकेट कैसी है फिर उसके बाद। तो सूर्या ने मुझे समझाया कि सर ऐसा ऐसा है, ये लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा नहीं आपके। मैंने भी अपने माँ बाप को लेके गया था, रोप के बाजू में खड़े थे, तो बड़ा अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया। तो मैंने बोला ठीक है सूर्या, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं चाहता था मेरी वाइफ भी आवे, सरफराज की मम्मी भी, सब लोग, लेकिन टिकट एक ही मिला। राजकोट की फ़्लाइट का तो आपको पता ही है, बड़ी मुश्किल से एक टिकट मिला तो मैं चला आया। फिर सर जिस तरह का सरफराज का इनिंग्स रहा है आज का, अगर नहीं आते तो कितना अफसोस होता? नहीं नहीं बहुत, मतलब ऐसा सपने में होता है वो मिला आज, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोगों ने भी सपोर्ट किया, ये जर्नी के अंदर साथ दिया है। बहुत सारे लोगों का हाथ, अगर मैं 2 का नाम लूँगा 4 का नहीं लूँगा तो शायद उनको हर्ट हो, बस सभी लोग का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या कि बैट्समैन जिस तरह बैटिंग कर रहे थे उसके बिल्कुल बरअक्स
क्वाइट अपोजिट जो है वो बैटिंग किया सरफराज ने एंड ही वाज लुकिंग इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग छक्का भी जो मारा स्टेट पे ऐसे चौके मारे बड़ा अच्छा मतलब जो खेल रहा था ही वाज लुकिंग कंट्रोल कंट्रोल कंप्लीट कंट्रोल दैट वाज अमेजिंग टू वॉच ईशान अवैश पंत सुंदर ये सारे अंडर 19 इकट्ठे खेले हैं एंड सरफराज इज द लास्ट वन टू डेब्यू फॉर टीम इंडिया शर्मा ने 131 किए जडेजा ने किए वो बड़े नाम है लेकिन आज का जो हाईलाइट किया गया जिस चीज को वो सरफराज खान है सरफराज खान की फैमिली प्राउड फील कर रही थी वो बंदा जब मैच के बाद ग्राउंड में आया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने यही बोला कि मेरे फादर का भी इतनी बार मेरा मैच देखने आया नहीं है लेकिन मैंने अपनी फादर की आंखों के सामने इंडिया के लिए खेला है डेब्यू किया है रन किया परफॉर्म किया है और जब सरफराज खान को जडेजा ने रन आउट करवाया उसके बाद रोहित शर्मा भी उधर गुस्से में नजर आया आए हैं अपनी कैप उठाकर फेंकी या फिर सरफराज भी डगआउट में आकर उन्हें लग पड़ा लेकिन पाकिस्तानी कुछ लोग जो कल तक बैठ के ये बातें कर रहे थे कि सरफराज खान को कभी भी इंडिया नहीं खिलाएगा सरफराज खान को कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा कभी भी ये नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक मुसलमान है इंडिया में मुसलमान को जो है वो ये नहीं किया जाता था वो नहीं किया जाता था वो ये देखो यार ये फजूल लोग हैं इन्होंने जो टीमें बनानी होती हैं फजूल बकवासियात करनी होती है अपनी टीम छनकना कर रही है और दूसरों पर बातें करवा लो।